जोहार ओलगी, आज हम लोग डेली यूज शब्दों से सेंटेंस बनाने के लिए सीखेंगे। क्योंकि हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेशन किया है, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला है कुड़ुख में उन्ना, इसका हिंदी में मतलब होता है पीना और इंग्लिश में होता है ड्रिंक। अब इससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो कुड़ुख में इसका हम लोग बोल सकते हैं ए अम उन्ना। तो हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे मैं पानी पीता हूँ, और इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रिंक वाटर। दूसरा मोखना, कुड़ुख में मोखना, हिंदी में इसका मतलब होता है खाना और इंग्लिश में इसका मतलब होता है ईट। अब इससे जल्दी से हम लोग इससे सेंटेंस बनाएंगे। एन मंडी मोखदन, हिंदी में कहेंगे मैं खाना खाता हूँ, और इंग्लिश में कहेंगे आई ईट फूड। तीसरा टूरना, हिंदी में इसका मतलब होता है लिखना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू राइट। अब इससे हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। कुड़ुख में हम लोग बोलेंगे एन टूरदा, हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे मैं लिखता हूँ, और इंग्लिश में कहेंगे आई राइट। चौथा बाचना, हिंदी में इसका मतलब होता है पढ़ना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू रीड। अब जल्दी से इसका हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं। कुड़ुख में हम लोग बोलेंगे ए पोथी बाचदन, हिंदी में कहेंगे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और इंग्लिश में कहेंगे आई रीड बुक। पांचवा एरना, हिंदी में इसका मतलब है देखना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू सी और टू वॉच। अब इससे हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। कुड़ुख में हम लोग बोलेंगे ए टीवी एरदम, हिंदी में हम लोग कहेंगे मैं टीवी देखता हूँ, और इंग्लिश में कहेंगे आई वॉच टीवी। हम लोग यहाँ पे सी का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे वॉच का यूज करेंगे। तो इंग्लिश में हम लोग का होगा आई वॉच टीवी। सोचता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। बोलते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर।